तो दोस्तों पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो एकदम हाई डेफिनेशन अल्ट्रा मजा आ जाए, जिससे एकदम गेम वेम खेले या कोई भी सॉफ्टवेयर ही करे तो यार अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आज मैं यार तुम्हें 5 बेहतरीन सॉफ्टवेयर बता दूंगा एकदम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए पीसी के लिए। पर उससे पहले यार अगर एंड्रॉइड के लिए करना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी तुम्हें एंड्रॉइड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बेहतरीन सॉफ्टवेयर। एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूंगा भाई कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर है कितने भी अच्छे हो जाए यार ये OBS को बीट नहीं कर सकते। OBS अपने में एकदम बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, रियल टाइम जो रिकॉर्डिंग करवाता है ना OBS, वो इनके दम का नहीं, मैं ये बोलूंगा। और OBS फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर पीसी के लिए, पर हो सकता है यार तुम्हारे पीसी के यार रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही हो OBS के लिए या कोई एरर आ रहा हो, तो तब तुम ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। ये भी अच्छे खासे लेवल पे हैं और OBS को टक्कर अच्छी खासी दे देते हैं। बाकी यार OBS पे पूरा ट्यूटोरियल तुम्हें मिल जाएगा आई बटन पे, वो भी चेक कर सकते हो। बाकी आओ आप देखते हैं यार ये कैसे हैं 5 सॉफ्टवेयर, कैसे यूज करना है, कहां से मिलेंगे और बेहतरीन है क्योंकि अपनी जगह पे है। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आ चुके हैं यार अपने पीसी स्क्रीन पे, अब देखो भाई कैसे करना है। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है ना वो अपना रहने वाला है, उसको यार तुम्हें गूगल पे ही लेके चलता हूँ। यहाँ जाना है तुम्हें और फ्री कैम लिख देना है। वैसे तो यार सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पहला साइट है। यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें यार ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। मैं इस सॉफ्टवेयर को यार प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है यार सही में। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी फीचर्स। देखो यार फ्री कैम 8 जो है ये पूरा कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। और इसके अंदर यार तुम्हें इनबिल्ट थोड़ा सा यार एडिटिंग करने का भी मौका मिल जाता है, थोड़ी हल्की फुल्की एडिटिंग, फुल नहीं। यहाँ देखो यार न्यू रिकॉर्डिंग में जाओगे, अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन फुल एचडी है तो यहाँ पे देखो ये 1280 और 720 नहीं लेगा, क्योंकि ये तुम समझ सकते हो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1920 into 1080, यस यार 1080 एज यू नो। तो ये मेरा यार स्क्रीन का साइज है, तो 1080 हो जाए ठीक है। अब इसने ले लिया इसने, देखो अब फुल स्क्रीन ले ली। अब यहाँ रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा, ये देखो यार ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सिंपल रिकॉर्डिंग तो यार सिंपल रहती है। इसके अंदर मेन क्या बात है ना, ये देखो जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसके बाद तुम्हें यार यहाँ पे फाइल को ना यहाँ से सेव करना पड़ेगा और डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या है ना, रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, कोई फ्रेम ड्रॉप जल्दी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा ठीक है। और इसके अंदर थोड़े बहुत और ऑप्शन भी मिल जाते हैं, सेटिंग में जाओगे पता कर सकते हो। चलते हैं यार नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। ये बहुत अच्छा था वैसे फ्री कैम, पर्सनली बताऊं तो मैंने इसको कल परसों यूज़ करा है और बहुत अच्छा इसने वीडियो में हेल्प करी। अब चलते हैं सेकंड सॉफ्टवेयर की तरफ क्योंकि इसका भी काम हो चुका है। तो यार दूसरा सॉफ्टवेयर ना मेरे को पर्सनली पसंद है और ये तुम्हें बताना यार थोड़ा सही रहेगा। ये देखो बैंडी कैम, जानते ही होगे शायद तुम इसके बारे में। देखो बैंडी कैम की बात क्या है ना कि ये सॉफ्टवेयर ना फ्री तो अवेलेबल है पर इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, जिसके कारण इसमें वाटर मार्क आता है। पर मैं यहाँ पे तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। ये देखो यार ये सॉफ्टवेयर है अपना बैंडी कैम, इसको मैं यूज़ करने को क्यों बोल रहा हूँ, ये अलग क्यों है यार फ्री कैम से। पहला वाला सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते थे तुम, कोई अलग बात थोड़ी होगी, रिकॉर्डिंग तो ये दोनों ही करेंगे। इसमें बात क्या है ना अलग, ये देखने वाली चीज़ है। देखो अभी ये ओपन हो रहा है यार, इसको थोड़ा सा ओपन होने में, ये देखो इसमें यार फ़ायदा क्या है ना, इसके अंदर तुम रिकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से भी कर सकते हो। देखो यार रिकॉर्डिंग एरिया सेलेक्ट करके कर सकते हो, फुल स्क्रीन तो सब देते हैं, यहाँ पे यार अराउंड माउस ना बहुत कम देते हैं। अराउंड माउस मतलब जहाँ पे तुम माउस लेके जाओगे वो रिकॉर्डिंग होगी, तो ये बहुत कम में ऑप्शन मिलता है। और इसके अंदर यार और भी बहुत सारी चीज़ें, जनरली FPS, तुम FPS मीटर भी लगा सकते हो, हॉट की सेलेक्ट करके मतलब कि रिकॉर्डिंग को काफ़ी अच्छा यार प्रोफेशनल लुक दे सकते हो, और बहुत सारे और भी ऑप्शन है। बात क्या आ जाती है ना, इसको जब तुम इससे रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ ऊपर में यार यहाँ लिखा जाता है www.bandicam.com जो इसका वाटरमार्क है। देखो उसको हटाने का तरीका तो वैसे नहीं है, इसका क्रैक वर्जन मिल जाए तो अलग बात है, पर इसको हटाने का एक मेथड मैं बताता हूँ जिससे मैंने करा था। क्या कर सकते हो ना, तुम अपनी स्क्रीन को इतना रिकॉर्ड कर लो, ये देख रहे हो इतना, ये ऊपर वाला एरिया ही छोड़ दो, समझ रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर खोलो वो इतने एरिया में खोल के कर लो रिकॉर्ड। क्योंकि रिकॉर्डिंग में यार इसके ये जो अराउंड माउस वाला ऑप्शन है ना, इसको सिर्फ यूज़ करने के लिए तुम इसको मैं प्रेफर करूँगा, यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें यार तुम वेबकैम लगा के यूज़ कर सकते हो, इसका क्रैक वर्जन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। बाकी इसमें वेबकैम सब लग जाता है और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, हाई रेजोल्यूशन। इसमें यार ये जो अलग अलग टाइप की रिकॉर्डिंग फीचर है ना, ये इसको बेहतरीन बनाता है। चलते हैं यार थर्ड वन की तरफ, ये सॉफ्टवेयर भी सही है, अपनी जगह पे बेहतरीन है। देखो थर्ड वन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है जिसके कारण तुम्हें इसे डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बढ़िया बात है ना। तो देखो यार इसका लिंक तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मिल जाएगा। ये देखो यार ये है, ये एक्सटेंशन मेरे को पर्सनली पसंद आया, मैंने 3-4 देखे, उसमें ये वाला एकदम सही है। इसको तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐड टू इसमें कर देना है अपने क्रोम में ठीक है। ये एक पीसी के लिए है यार देखा जाए तो, यहाँ पे देखो अब तुम्हारे क्रोम में ना एक एक्सटेंशन जुड़ गया रिकॉर्डिंग का। अब जब इस पर तुम जाओगे ना तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले पे क्लिक करना है तुम्हें, और तुम यहाँ से एप्लीकेशन के लिए भी चुन सकते हो, क्रोम का कोई टैब चुनना है वो कर सकते हो, या इंटायर स्क्रीन, तो मैं इंटायर स्क्रीन करूँगा यहाँ पे शेयर। और यहाँ पे देख सकते हो तुम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, यस। इसको मैं यहाँ से हाइड, और ये मेरी इस समय
पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। तो ये हुआ ना, बढ़िया बात हुई ना। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ से फिर यार तुम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो, ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये देख सकते हो, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी में होती है, मतलब कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं करना पड़ा और सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो गया। हुआ ना ये बढ़िया। तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक लगा, अपनी जगह पर सही है, ये एकदम बेहतरीन प्रोफेशनल टाइप का अगर बोला जाए तो है। अब चलते हैं भाई लास्ट वन, क्योंकि यार लास्ट वन भी तो रहना चाहिए ना। तो यार लास्ट वन भी बहुत सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सिर्फ मैंने एक बताया तुम्हें वाटरमार्क वाला, उसको भी तुम, मैं बोलूँ बता ही दिया तुम्हें यार उसको कैसे यूज़ कर सकते हो अगर तुम वाटरमार्क के बिना जाना चाहते हो तो। ठीक है, तो अब लास्ट है भाई स्क्रीन, ये देखो स्क्रीन REC लिख दो, बस इतना काफ़ी है स्क्रीन। ये देखो यार, ये पहले नंबर वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, यही है अपना। तो इसको तुम यार अलग अलग सिस्टम के लिए, लिनक्स है तुम्हारे पास, मैक है, उसके लिए भी जा सकते हो, बाकी यार तुम्हारी प्रेफरेंस जो है तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर लोगे। तो ये थोड़ा ठीक है, ये है ना बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, अगर तुम्हें लाइट वेट चाहिए तो ये काफ़ी मतलब कि हल्का फुल्का और जल्दी से काम निपटा देने वाला सॉफ्टवेयर है। देखो यार इसको मैंने चला दिया है, अब देखो चलने के बाद इसका क्या इंटरफेस है। ये देखो इसका इंटरफेस कितना ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ कैप्चर करना है, कैप्चर पे दबाओ, रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड पे। तो मतलब अगर तुम्हें यार इन सब फंडों में नहीं पड़ना ना तो ये बहुत सिंपल है। और यहाँ सेटिंग में जाकर तुम ये सब आवाज़ भी कर सकते हो कि तुम्हें आवाज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ लेना है। और उसके अलावा इसके अंदर शॉर्टकट भी लगा सकते हो, हॉटकीज एक ही मिला है, ज़्यादा नहीं, अब एक से ही काम चला सकते हो यार, सही है ये। और ये तुम्हारा कुछ यार रहने वाला है सिंपल जुगाड़ पानी एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो ये कुछ भाई चार सॉफ्टवेयर थे, अब पाँचवा कौन है। पाँचवा मैं पर्सनली अभी यूज़ कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, और इसको मैं हमेशा से प्रेफर करता आया हूँ, OBS। तो OBS पे पूरा ट्यूटोरियल अगर बोल देखना है तुम, आई बटन पे चेक कर सकते हो, पूरा कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया एक ही वीडियो में पूरा OBS, तो वो चेक कर सकते हो। बाकी यार OBS से बेहतरीन कोई नहीं मैं बोलूँगा, ये सारे सॉफ्टवेयर भी अपनी जगह पे अच्छे हैं पर OBS के टक्कर के नहीं। ठीक है, तो ये कुछ यार थे पूरे पाँच सॉफ्टवेयर, मुझे लगता है अब तुम्हें क्लियर हो गया, अब तुम्हें किसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से तुम वाटरमार्क के बिना वीडियो बनाओ, एकदम एंजॉय करो बढ़िया से। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अगर वीडियो काम की मिली हो एकदम बढ़िया से तो एक लाइक तो बिल्कुल बनता है, साथ में सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।